खबर रांची से है, जहां पर मांडर पुलिस ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी विनय कुमार यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर मांडर रेफरल अस्पताल के समीप हथियारों की खरीद बिक्री करने ऑटो से आए तीन में से भाग रहे दो व्यक्तियों को दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए मांडर बाजार थाना निवासी महबूब अंसारी पिता रमजान अंसारी तथा सोहेल अंसारी पिता फिरोज अंसारी के पास से पुलिस ने एक देसी 7.65 mm का पिस्टल बरामद किया है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उन्हें टांगर बसरी निवासी इश्तियाक अंसारी ने देसी पिस्टल को 35 से 40 हज़ार रुपये बेचने के लिए दिया था। मानव थाना में यह सूचना मिली थी हमको अपने थाना प्रभारी को कि रेफरल अस्पताल के पास चार दीवारी शाम के समय में कल कुछ लोग जमा हुए हैं और आर्म्स का लेन देन करेंगे, आर्म्स का बेचना खरीदने का कार्यक्रम किया जाएगा। इसी पर हम लोगों ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। जब हमारी टीम वहाँ पहुँची 7:30 के आसपास में तो तीन लोग थे वहाँ जो आपस में कुछ बात कर रहे थे और एक टेम्पू भी लगी हुई थी। जैसे ये टीम उतरी है हम लोग तो एक तो भागने में सफल हुआ, बाकी दो लोगों की वहाँ दौड़ा कर डिटेन किया गया, पकड़ा गया था, जिसमें से महबूब अंसारी और दूसरा सोहेल अंसारी जो दोनों वही मानो कहीं रहने वाले तो सर्च किया गया। चूँकि पुलिस का भागा दौरा चल रहा था उसी तरह बहुत सारे पब्लिक भी जमा हो गए थे, उनके समक्ष तलाशी जब ली गई तो उनके पास से एक देसी पिस्टल जो आप देख रहे हैं उनके पास से मिला। आगे पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि अंधेरा का लाभ लेकर तीसरा आदमी जो भागा उसका नाम इश्तियाक है और वही आर्म्स बेचने के लिए आया हुआ था। हम लोग उसी से 35-40 हज़ार रुपये में हम लोग खरीद के तब फिर इश्तियाक के पीछे पड़े हम लोग, इश्तियाक को कम से कम डिटेलिंग। तो आज इश्तियाक मिला है और जब वो पकड़ा गया तो उसने बताया कि हाँ रिवॉल्वर मेरे पास था, दोनों आर्म्स को हमको बेचना था, लेकिन रिवॉल्वर हम मार्डर टांगर बसरी रोड में कजिया पुल के पास हमको रात में मौका मिला, उधर गए थे छिपा दिए हैं। हम बताते हैं उनके निशानदेही पर वो भी रिवॉल्वर सिक्सर वो भी मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक देसी पिस्टल बिल्कुल कारगर और अच्छे स्थिति में है, दूसरा रिवॉल्वर और कई राउंड गोली मिली है और वो टेम्पू भी जो है वो भी डाउटफुल टेम्पू लग रहा है, तीनों बरामद हुआ है। अभी जैसा आपको पता हो गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और हमारे जो भी थाना प्रभारी या मेरे फोर्स है सबको एक्टिवेट किया हुआ है कि हमेशा वो एक्टिव मोड में रहे, जब भी छोटी सी भी सूचना कहीं से मिली उस पर त्वरित कार्रवाई करें लोग और तत्क्षण वहाँ वेरीफाई करके किसी सूचना के सत्यापन में ही ये इतना बड़ा सफलता रांची पुलिस को मार्डर थाना से मिली। ऐसा अभियान हम लोगों को अभी निरंतर जब तक के शांतिपूर्वक और स्वच्छ वातावरण में हम लोग चुनाव नहीं करा लेते हैं तब तक ये लगातार चलता रहेगा। रांची से संजय प्रसाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।